मैं ये सोचता हूँ कि शिष्य और गुरु शिष्य जो परंपरा है, उस परंपरा में इतनी जगह या इतनी स्पेस होनी चाहिए कि शिष्य अपने भीतर की जो भी उसको तकलीफ़ या खुशी है या वो जो महसूस करता है वो बिंदास गुरु से बोल सके। अगर उसे डरा डरा के या उसको हम दबा के उसे रखें तो हम उसे जैसे एक मिट्टी होती है उसे पीट पीट के, और उसे प्यार से भी तो रखते हैं, खाली पीट के मिट्टी से कभी कोई अच्छी आकृति नहीं निकल के आई, वो आकृति दोनों तरफ से बन के आती है। तो जो बच्चे या जो भी शिष्य मेरे से सीखते हैं वो उनको जानबूझ के एक मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि एक खुला वातावरण रहे कि वो अपने आप को सहजता से रख सकें, क्योंकि सहज होना बहुत वही अच्छा इंसान भी तो बनना है, तो अच्छा इंसान बनना है उसके लिए वो पहले सहज रहे, सहजता से अपने आप को रखे, और वाकई वो मेरे जहाँ गुरु की एक इज्जत होती है, एक ऊपर उनको कायम रखना चाहिए। काम के वक्त वो बिल्कुल हम ऐसे हैं, ये ठीक नहीं है तो ये ठीक नहीं है, तो वो एक काम का दायरा ऐसे है, काम हुआ, शिक्षा का लेन देन हुआ, कार्यक्रम हुआ, ये सब कुछ हुए, उसके बाद हम एक इंसान के जैसे हो जाते हैं। वो परंपरा में भी है और वो उसको कायम भी रखना चाहिए।